हैदराबाद के तारीखी सालारजंग म्यूजियम में हिंदू महासभा के लीडर विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस के बानी डॉक्टर केवी हेडगेवार के पोर्ट्रेट को नुमाइश के लिए शामिल किया गया है। सालारजंग म्यूजियम इंतजामिया के इस फैसले से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सालारजंग म्यूजियम चूंकि मरकजी हुकूमत के तहत है, लिहाजा हुकूमत के इशारे पर मुतनाज़ा शख्सियतों के पोर्ट्रेट म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे गए, ताकि नई नस्ल को इन दोनों शख्सियत का मुजाहिदीन आज़ादी के तौर पर तारुफ कराया जाए। इस खसूस में कांग्रेस के अखिलेती कायदीन उस्मान मोहम्मद खान और मतीन शरीफ ने सालारजंग म्यूजियम का दौरा करते हुए सावरकर के पोर्ट्रेट का जायजा लिया। इन कायदीन ने कहा कि अंग्रेजों के लिए काम करने वाले शख्स की तस्वीर को म्यूजियम में शामिल करना मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन है। इनका कहना था कि सावरकर पर महात्मा गांधी के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। कांग्रेस कायदीन ने सावरकर की तस्वीर को फौरी हटाने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत और मुकामी रुकन पार्लियामेंट से फौरी तवज्जो देने की अपील की। पेश है इस खसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और कांग्रेस कायदीन के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। आज हम सालारजंग म्यूजियम आए जो हैदराबाद में वाक़े है और पूरी दुनिया में वाहिद म्यूजियम है जो वन मैन कलेक्शन है पूरा यहाँ पे। इस म्यूजियम में आए बहुत अफसोस हुआ यहाँ के कुछ मंजर देखकर, जहाँ पे सालारजंग जिसको आसिफ अली खान और सालारजंग तीन के नाम से नवाजा गया था, जो निज़ाम के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर थे और वो हिंदुस्तान की हुकूमत को उनकी फैमिली वालों ने तमाम असासा जो उन्होंने एंटिक जमा करा था, जो वर्ल्ड का नायाब एंटिक है वो डोनेट करा, जिससे हिंदुस्तान की हुकूमत को काफ़ी आमदनी होती है, करोड़ों रुपया में आमदनी होती है। उनके इस म्यूजियम में उनकी तमाम तस्वीरों को हटाकर एक बैरक नंबर 22 के अंडोमान निकोबार में सजा काटने वाले सावरकर की फोटो लगा दिया गया है। वही सावरकर जो गांधी जी की हत्या में भी शामिल थे, जिसके लिए कपूर कमीशन की रिपोर्ट में उनको आज तक क्लीन चिट नहीं मिली। वही सावरकर जो आज तक आज़ादी के कोई मूवमेंट में नहीं थे, चाहे वो सॉल्ट सत्याग्रह रहो या क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में सावरकर का ये रोल था कि वो अंग्रेजों के साथ थे। तो हम अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये पोर्ट्रेट यहाँ से निकाल लीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।